तो आज का आरएनए शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम सफ़र के बाद कौन सी दो नई ट्रेनें मिली हैं भागलपुर और अंग वासियों को, तो इस वीडियो को देखिए। वहीं गोड्डा से क्या भागलपुर गरीब रथ का एक्सटेंशन किया जा सकता है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, इस पर भी हमने आरएनए किया। और मालदा मंडल के 3 स्टेशनों का हाल क्या है, इस पर भी आप आरएनए देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा आरएनए है वो गोड्डा हमसफ़र एक्सप्रेस को लेकर है। तो गोड्डा हमसफ़र के लिए एक अच्छी न्यूज़ आई है, इस ट्रेन के बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। और उससे पहले इस जो न्यूज़ है उसके साथ साथ कई क्वेश्चन भी खड़े हो रहे हैं जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, गोड्डा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली हमसफ़र स्पेशल जो है उसके परिचालन को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। अब अगले आदेश तक बढ़ाने का मतलब है, पहले ये ट्रेन 29 जून तक चलनी थी अपने उसी समय सारणी और रूट पर, लेकिन अब जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया है उसके बाद अब ये ट्रेन अगले आदेश तक, यानी अब हो सकता है जून के बाद, अब जुलाई अगस्त जब तक रेलवे आदेश ना दे तक ये स्पेशल के रूप में ही गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र स्पेशल और दिल्ली गोड्डा हमसफ़र स्पेशल जो चल रही है वो चलती रहे। तो अभी आपने जो देखा वो नोटिफिकेशन है जिसमें आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र स्पेशल और नई दिल्ली गोड्डा हमसफ़र स्पेशल, नंबर भी वही है 02349 02350। ये नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जो आया था वो अगले आदेश तक का नोटिफिकेशन है जिसमें अभी ट्रेनों का परिचालन, इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रेनें जिनका परिचालन अगले आदेश तक रेलवे ने विस्तार कर दिया है। इसके साथ साथ भागलपुर से अजमेर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन है वो भी अगले आदेश तक चलेगी। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे अब सारी ट्रेनों को स्पेशल रूप में ही चलाने का पर विचार कर रहा है, क्योंकि स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है उनमें सभी ट्रेन के आगे नंबर जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, जबकि जो स्थिति में जब ट्रेनें चलाई जा रही थी पुरानी स्थिति में जो ऐसा प्रयास लगाया जा रहा था कि जुलाई से सभी ट्रेनों को जो अपने ओरिजिनल नंबर यानी 1 के साथ जो शुरू होता था उसके साथ चलाया जाएगा, लेकिन रेलवे की तरफ से ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनों का रेलवे ने अगले आदेश तक विस्तार कर दिया है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपने गोड्डा से भागलपुर के बीच नई DMU जुलाई से चल सकती है इसको लेकर वीडियो नहीं देखा था तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर आपके सामने नोटिफिकेशन है, जो जो ट्रेनों का जो विस्तार है वो अगले आदेश तक किया गया था, तो आप पॉज करके एक बार फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि भागलपुर रेलखंड सहित मालदा मंडल या पूर्व रेलवे की बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हो सकती हैं जिसका विस्तार अगले आदेश तक दे दिया जाए। तो अब आपको बता दें, आरएनए यानी न्यूज़ इन शॉर्ट आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके साथ साथ जो कमेंट सेशन स्पेशल था हमारा, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए इस वीडियो को। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए।